कार्नोट इंजन एक ऐसा हाइपोथेटिकल इंजन है, ऐसा नहीं है कि पता लगे आपने गाड़ी परचेज की भाई कौन सा इंजन है, कौन सा फिनोमेना यूज कर रहा है, कार्नोट इंजन है, ऐसा नहीं है। कार्नोट पहला साइंटिस्ट था जिसने कि हाइपोथेटिकल किताबों के अंदर इंजन बनाया कि भाई ऐसा इंजन बनाएंगे जिसको देख के आप प्रैक्टिकल इंजन बना सकते हो, क्योंकि इसने कुछ आइडल कंडीशंस में इंजन बनाया कि आइडल गैस है, बहुत चीज़ें से निगलेक्ट की प्रैक्टिकली जो हो नहीं पाती। पर पहला जो जो स्टेप था इंजन बनाने का वो किसका था, वो कार्नोट का था। तो कार्नोट ने क्या कहा, उसने कहा कोई भी अगर आपने इंजन बनाना है तो इंजन होगा क्या, आप गाड़ी में रखेंगे कहीं पर भी रखेंगे वो वर्क डन करेगा। कैसे करेगा वर्क डन, वो वर्क डन ऐसे करेगा, सपोज करो कि आपके पास एक सिलेंडर है जिसमें पिस्टन लगा हुआ है, बीच में गैस है। आप सिंपली एक काम करो, उस गैस को कंप्रेस करो एक्सपैंड करो, कंप्रेस करो एक्सपैंड करो, और उस पिस्टन के साथ आप ये रॉड लगा दो। तो मान लो गैस कंप्रेस हो रही है तो रॉड इनसाइड, एक्सपैंड हो रही है रॉड आउटसाइड, इनसाइड आउटसाइड, पिस्टन के साथ जुड़ी हुई है तो पिस्टन कभी कंप्रेस कर रहा है कभी एक्सपैंड हो रहा है, कंप्रेस कर रहा है एक्सपैंड हो रहा है। कहता आगे व्हील लगा दो, ये व्हील है गाड़ी का, सोचो पिस्टन एक्सपैंड, ये गैस एक्सपैंड हो रही है कंप्रेस हो रहा है, एक्सपैंड कंप्रेस एक्सपैंड, ट्रेन का देखा ना, ट्रेन के व्हील में रॉड लगी होती है बिल्कुल वैसे ही, तो गाड़ी चलनी शुरू हो जाती है। तो कुछ भी नहीं कर रहे हम, वहां से गैस को ले रहे हैं और उसको कभी उसको कंप्रेस कर रहे हैं कभी एक्सपैंड कर रहे हैं, तो ये रॉड जो है अंदर बाहर हो रही है। आगे व्हील लगा दिया कुछ ऐसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, जब ये रॉड अंदर बाहर जाएगी तो व्हील घूमना शुरू हो जाएगा, तो गाड़ी चलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसे वर्क डन होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये उसने फिनोमिना लगाया, तो उसने कहा ये तो मैकेनिकल इंजीनियर कर ही लेंगे, व्हील ये जो लगाना ये सब काम तो बाद की बात है, पहला काम क्या है गैस को क्या करना, कंप्रेस और एक्सपैंड करना। तो उसने क्या कहा कि कार्नोट इंजन इज अ डिवाइस, तो ऑब्वियसली एक ऐसा डिवाइस है विच ट्रांसफॉर्म्स हीट इनटू मैकेनिकल वर्क कॉन्टिन्यूसली, तो हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करेगा। द वर्किंग सब्सटेंस अंडरगोज अ साइक्लिक प्रोसेस, वो करेगा ऑब्वियसली कंप्रेशन के बाद एक्सपेंशन होगा, फिर वापस कंप्रेशन एक्सपेंशन होगा, तो पूरा प्रोसेस क्या होगा, साइक्लिक प्रोसेस होगा। तो यहां लिख सकते हो प्रिंसिपल, यहां लिख लो प्रिंसिपल, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लिख लो यहां पर प्रिंसिपल, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है यहां तक? तो लिख लो कोई भी इंजन जो है इस टाइप का, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये रहा कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। देखो क्योंकि हाइपोथेटिकल इंजन है, प्रैक्टिकल इंजन नहीं है कि जाके आप मुझे कहो सर करके ये ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे इंजन खोल के दिखाओ, खोलूंगा कहां से, है ही किताबों के अंदर। तो उसने क्या बोला कि वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन के अंदर सबसे पहले वो कहते हैं आपको एक सोर्स चाहिए। तो इमेजिन करो एक सोर्स है जहां पे हीट जनरेट होती है और वो कॉन्स्टेंट हीट जनरेट करती जा रही है एट टेम्परेचर T1। फिर आपको एक स्टैंड चाहिए, लिख लेना इंसुलेटिंग स्टैंड, एक इंसुलेटिंग स्टैंड है, इंसुलेटिंग स्टैंड चाहिए। और फिर आपको चाहिए एक सिंक चाहिए, सिंक सोर्स का टेम्परेचर T1, सिंक का टेम्परेचर T2, सोर्स हायर टेम्परेचर सिंक लोअर टेम्परेचर। एक सिलेंडर चाहिए जिसमें गैस है आइडल गैस है और इसका बेस नॉन कंडक्टिंग चाहिए, हीट अंदर बाहर जा सकती है। तो इसमें रूल क्या है, गैस को आपने एक्सपैंड करना है फिर कंप्रेस करना है, फिर एक्सपैंड करना है फिर कंप्रेस करना है, सिंपल प्रोसेस है। तो वो कहते हैं काम करो आप पहले इस सिलेंडर को उठा के सोर्स के ऊपर रख दो। आपको ये प्रैक्टिकली कैसे होगा, मतलब कि इसको उठा के, नहीं उठाना नहीं है। उसने कहा अगर ऐसा हो जाए, वो मैकेनिकल इंजीनियर कैसे करते हैं वो बाद की बात है, बहुत एडवांसमेंट आई इंजन के ऊपर, पर अभी सिर्फ इमेजिन करना है कि अगर मैं इसको इसके कॉन्टैक्ट में ले आऊं तो सोर्स का टेम्परेचर तो कॉन्स्टेंट है T1, जितना मर्जी सोर्स जितना मर्जी फ्यूल बर्न कर लो T1 है, तो ये जब इसके कॉन्टैक्ट में आएगा तो गैस का टेम्परेचर भी कितना हो जाएगा T1, और गैस क्या होनी स्टार्ट हो जाएगी एक्सपैंड। तो ऑब्वियसली T1 पे गैस एक्सपैंड हो रही है तो प्रोसेस का नेचर क्या होगा, आइसो थर्मल, क्योंकि टेम्परेचर रिमेंस सेम। क्लियर है यहां तक? तो आइसो थर्मल प्रोसेस होगा। तो उसने कहा कि पहले जब इसके कॉन्टैक्ट में लेके आएंगे गैस को, गैस एक्सपैंड होगी और प्रोसेसेस आइसोथर्मल लेने। अभी गैस एक्सपैंड हो ही रही थी, चल रहा था पिस्टन बाहर चल रहा था, बहुत जल्दी
किसी ने उठा के इसको स्टैंड पे रख दिया। अब स्टैंड ने बेस ऑफ सिलेंडर को बंद कर दिया, इंसुलेटिंग स्टैंड है, गैस एक्सपैंड हो रही थी, अब हीट एक्सचेंज बंद हो गया, गैस अभी भी एक्सपैंड हो रही है, चाहे थोड़ी एक्सपैंड हो, बहुत ज्यादा नहीं होगी, लेकिन प्रोसेस का नेचर क्या हो जाएगा, एडियाबेटिक। तो यानी कि जो एक्सपेंशन है वो इकट्ठी नहीं करवाई, वो दो स्टेज में करवाई। पहली स्टेज क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दूसरी स्टेज क्या है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन। तो अब मान लो गैस पूरी तरह क्या हो गई, एक्सपैंड हो गई, एक्सपैंड हो गई। अब किसकी बारी है, कंप्रेशन की। अब वो कहता है ठीक है, गैस एक्सपैंड हो गई, इसको उठा के सिंक पे रखो और गैस को कंप्रेस करो। अब क्योंकि सिंक का टेम्परेचर T2 है और हीट एक्सचेंज अलाउड है, तो गैस का टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, T2। जब सोर्स के ऊपर ये गैस थी तो हीट उठा रही थी Q1, स्टैंड जब नीचे आ गया नो हीट एक्सचेंज, जब ये इसके ऊपर आई तो हीट फेंकना शुरू कर दिया Q2। अब इसमें क्या हो रहा है, कंप्रेशन अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, क्योंकि टेम्परेचर कितना चल रहा है इसका, गैस का, T2, क्योंकि T2 तो कॉन्स्टेंट है। तो अब कंप्रेशन किस पे हो रहा है, आइसोथर्मल कंप्रेशन। अभी गैस कंप्रेस हो ही रही थी, आपने फटाफट इसको उठा के फिर स्टैंड पे रख दिया, स्टैंड का बेस, स्टैंड ने बेस को बंद कर दिया। अब आपने जब कंप्रेशन किया तो गैस का टेम्परेचर कितना था, T2, आपने बेस को बंद करके एकदम कंप्रेस किया, गैस का टेम्परेचर राइज हो गया और कितना हो गया वापस, T1, क्योंकि प्रोसेस को क्या बनाना है, साइक्लिक। साइक्लिक में जिस टेम्परेचर से स्टार्ट करते हैं उसी टेम्परेचर पे वापस आ जाते हैं। तो इसलिए दो स्टेज में काम करना है, एक आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबेटिक कंप्रेशन। तो एक, दो, तीन, चार, फिर एक, फिर दो स्टेज, 3, 4। तो इस तरीके से ये प्रोसेस बार बार करना है। तो इसका जो डायग्राम बनाया गया वो ऐसा बनाया गया, देखा हुआ डायग्राम है न्यूमेरिकल्स में, कि ए से स्टार्ट हुई गैस आइसोथर्मल एक्सपेंशन एट टेम्परेचर T1, फिर अगर एक्सपेंशन हो ही रही थी तो आगे फिर से एक्सपेंशन हुई अंडर एडियाबेटिक कंडीशन, फिर क्या किया, आइसोथर्मल कंप्रेशन, फिर क्या किया, एडियाबेटिक कंप्रेशन। प्रोसेस क्या हो गया, साइक्लिक प्रोसेस हो गया। तो जब यह आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा था तो हीट ली जा रही थी सोर्स से Q1, और जब आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा था तो हीट फेंकी जा रही थी कितनी, Q2। एडियाबेटिक में कोई हीट एक्सचेंज नहीं है। क्या ये डायग्राम क्लियर है यहां तक? तो ये डायग्राम बना के दिया उसने। अब वो कहता है कि ठीक है, तो इसमें ये कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन में एक सिलेंडर चाहिए जिसके अंदर कंडक्टिंग बेस चाहिए, हीट का सोर्स चाहिए T1, सिंक चाहिए T2, इंसुलेटिंग स्टैंड चाहिए और वर्किंग सब्सटेंस चाहिए जो कि आइडल गैस है। इसमें डायग्राम बनाया, मैथमेटिकल वर्किंग। मैथमेटिकल वर्किंग में उसने क्या कहा कि ए से लेके बी तक प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में वर्क डन क्या होता है, टेम्परेचर T1 चल रहा है, तो RT1 नेचुरल लॉग ऑफ V2/V1। अगर मैं 2.303 लगाता हूं तो लॉग का बेस क्या होता है, 10, पर अगर मैं नहीं लगाता तो नेचुरल लॉग लिख सकता हूं। तो ये मेरे पास किसका फॉर्मूला आ गया, आइसोथर्मल एक्सपेंशन का वर्क डन का फॉर्मूला आ गया। और ये वर्क डन में हुआ क्या, हीट उठाई जा रही है कितनी, सोर्स से Q1। तो यहां पर Q1 और W1 एक ही बात है। और अगर एरिया वाइज की बात करें तो आइसोथर्मल में एरिया क्या होगा, वर्क डन क्या होगा, एरिया अंडर AB, ये भी साथ साथ लिखा गया, एरिया अंडर AB। तो ये पहला वर्क डन का फॉर्मूला हो गया। फिर दूसरा वर्क डन क्या है, बी से लेके सी तक, बी से लेके सी तक क्या हुआ, एडियाबेटिक एक्सपेंशन। एडियाबेटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर कितना हो गया, T1 से T2 हो गया। तो एडियाबेटिक का फॉर्मूला लगा दिया, R T1 - T2/γ-1, ये फॉर्मूला था एडियाबेटिक का। एडियाबेटिक का जब फॉर्मूला यूज किया जाता है तो ये इनिशियल टेम्परेचर होता है और ये फाइनल, याद रखना। और आइसोथर्मल का जब वर्क डन लगता है तो ये फाइनल वॉल्यूम होता है और ये इनिशियल, ठीक है। और एरिया वाइज क्या होगा, BC के अंडर एरिया क्या होगा इसका, एडियाबेटिक का वर्क डन। तो दूसरा स्टेज भी क्लियर हो गया, हीट का कोई चक्कर नहीं, वर्क डन तो हुआ पर हीट एक्सचेंज नहीं है क्योंकि प्रोसेस एडियाबेटिक है, इसमें क्यू का कोई काम नहीं है। नेक्स्ट जो काम है, आइसोथर्मल कंप्रेशन एट टेम्परेचर T2। आइसोथर्मल कंप्रेशन में वर्क डन हुआ और Q2 हीट को रिजेक्ट किया, यहां पर हीट का काम है। तो Q2 किसके इक्वल है, W3 के इक्वल है। और वर्क डन का फॉर्मूला RT2 log ऑफ फाइनल वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम। एक प्रॉब्लम है,
ये इनिशियल वॉल्यूम है वी थ्री, यहां पे वॉल्यूम कितना है वी थ्री, यहां पर कितना है वी फोर, तो होना चाहिए था वी फोर माइनस वी थ्री, लेकिन हुआ क्या मैंने उल्टा लिख दिया वी थ्री बाय वी फोर। ऐसा क्यों, मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कंप्रेशन, कंप्रेशन में वर्क डन्स नेगेटिव होते हैं ऑब्वियसली। अगर आप ये छोटा वॉल्यूम लेंगे और ये बड़ा लेंगे, मैथ्स का रूल है, तो आंसर ऑटोमेटिकली नेगेटिव आएगा, मुझे नेगेटिव लगाने की जरूरत क्या है, सही है यहां तक, इसलिए जान के उल्टा किया। और उसी तरीके से अगर एडियाबैटिक का वर्क डन में इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल होता है, लेकिन मैंने क्या लिख दिया फाइनल माइनस इनिशियल, क्यों किया, क्योंकि ये फिर से क्या हो रहा है कंप्रेशन, कंप्रेशन में ऑब्वियसली वर्क डन नेगेटिव होते हैं, तो नेगेटिव लगाने की बजाय मैंने इसी को घुमा दिया। अदरवाइज अगर आप फाइनल इनिशियल एंड फाइनल लेते हो फिर आपको अलग से साइन नेगेटिव लेना पड़ता है। क्लियर है यहां तक, तो चार फॉर्मूले लगा दिए, आइसोथर्मल का, एडियाबैटिक का, आइसोथर्मल का, एडियाबैटिक का। नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा, चारों का सम, चारों के सम में दो वर्क डन पॉजिटिव होंगे, और साइन कन्वेंशन क्या कहती है कि कंप्रेशन का वर्क डन इज ऑलवेज नेगेटिव, एक्सपेंशन का पॉजिटिव, कंप्रेशन का नेगेटिव, तो दो वर्क डन नेगेटिव। तो अगर आप जरा फॉर्मूला देखें W4 का और फॉर्मूला देखें W2 का और W4 का मैग्नीट्यूड फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है, इसीलिए W4 और W2 को क्या कर दिया मैंने कैंसल, तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना आ गया W1 माइनस W3। लेकिन W1 अगर आप यहां से देख लें, W1 किसके इक्वल है Q1, और W3 किसके इक्वल है Q2, तो W1 Q1 W3 Q2, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है Q1 माइनस Q2। मतलब इतनी लंबी कहानी के बाद बात मैंने आपको वही सुनाई एक लाइन की कि अगर अगर इंजन ने Q1 अमाउंट ऑफ हीट ली, Q2 फेंक दी, तो वर्क डन क्या है Q1 माइनस Q2। पर इतनी लंबी कहानी के बाद अगर आंसर सेम आ रहा है तो वो कहानी यानी कि ठीक ही बोल रहा है। इसका मतलब उसने साइक्लिक प्रोसेस चलाया, आइसोथर्मल का, एडियाबैटिक का, जो भी चलाया वो एब्सोल्युटली करेक्ट है, तभी तो आंसर सही मैच कर रहा है Q1 माइनस Q2। तो ये नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन आ गया। अब वो कह रहे हैं एफिशिएंसी ऑफ अ साइकिल क्या होती है, हमने हीट इंजन में डिस्कस किया एफिशिएंसी ऑफ अ साइकिल 1 माइनस Q2 बाय Q1, अभी मैंने आते हुए बताया हीट इंजन के अंदर एफिशिएंसी को लिख सकते हैं 1 माइनस Q2 बाय Q1, याद है ना, हीट इंजन में भी करके दिखाया था, यहां से ऊपर जब हीट इंजन स्टार्ट हुआ था इस डायग्राम में, ये देखो 1 माइनस Q2 बाय Q1, तो 1 माइनस Q2 बाय Q1 में Q1 का ये फॉर्मूला, Q2 का ये फॉर्मूला, तो एक काम क्यों नहीं करते, इसमें Q2 एंड Q1, Q2 और Q1 में Q2 Q1 की वैल्यू को पुट कर दिया, R से R कैंसिल हो गया, R से R कैंसिल होने के बाद आपके पास ये टर्म आ गई, तो एफिशिएंसी यहीं पे रोक लो एक मिनट। अब मुझे डायग्राम से ये बताओ A से B प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल, इक्वेशन क्या बनेगी P1 V1 is equal to P2 V2, B से C क्या है एडियाबैटिक, इक्वेशन क्या बनेगी P2 V2 raise to power gamma is P3 V3 raise to power gamma, फिर C से D क्या है आइसोथर्मल, तो P3 V3 is P4 V4, फिर P4 V4 raise to power gamma is P1 V1 raise to power gamma, चार इक्वेशन लिख लो, ये लिख ली फर्स्ट इक्वेशन, एडियाबैटिक इक्वेशन, आइसोथर्मल की इक्वेशन, एडियाबैटिक इक्वेशन, एक काम करो चारों के लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करो, चारों के राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करो और इक्वेट कर दो, तो P1 P2 P3 P4 दोनों तरफ से कैंसिल, तो आपके पास ये टर्म बच जाएगी। इसमें काम करो V2 V2 में से माइनस करो पावर V4 V4 माइनस, तो गामा माइनस वन आएगा, ऐसे इधर भी गामा माइनस वन आएगा, गामा माइनस वन कैंसिल हो जाएगा लेफ्ट और राइट, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास ये टर्म आएगी। अगर आप ये स्टेप भूल जाते हैं कोई टेंशन नहीं, एफिशिएंसी का ये फॉर्मूला तो पता है ना, एंड रिजल्ट यही आएगा कि V3 by V4 is equal to V2 by V1, अगर भूल भाल गए कोई बात नहीं, एंड रिजल्ट पता है क्या आना है, तो ये ऐसा रिजल्ट आएगा कि ये लॉग वाली टर्म्स क्या हो जाएंगी इन द एंड कैंसिल, तो ये प्रूव करके कैंसिल, और एफिशिएंसी का नया फॉर्मूला आएगा 1 minus T2 by T1। अगर पेपर में कारनॉट आया, जितना मैंने कारनॉट में बोला टिल एफिशिएंसी, ये सारा यहीं तक लिख के आना है, पूछा हो या ना पूछा हो, तीन नंबर में इंपॉर्टेंट है ये।